इसके व्लॉग में आपको हमारे खाने का रूटीन देखने को मिलने वाला है। लड्डू क्या खाएगी? गोल पापा खाएगी। आज सच में हमने गोल पापा बनाया, उससे पहले ब्रेड मकाना देके लड्डू नहीं, अनमोल को तो हमने स्कूल भेज दिया ताकि मजे से चाय वाय पिए, है ना लड्डू? चाय पी रही है? चाय पीती है जुट्टी, चाय नहीं पीती है। तो पता है हमें ना लेबर लॉ एडवाइजर वाले ने जो हैम्पर दिया था ना, ये छुपा रह गया था क्योंकि हम लोग उस दिन तो बनाए थे आने के बाद, जयपुर से आए थे तो, और ये रखा रह गया था शिफ्टिंग में ना, इधर उधर रह गया। तो आज हम लोग चाय पिए, उसके बाद फिर लगे थे पार्सल पैकिंग में। हमारा इन्वर्टर आया लेकिन बाहर पड़ा हुआ है, बस कनेक्शन लगने ही वाला है। लड्डू लाइट जाता है तो कैसा लगता है? ये तो देखो फलूदा बन जाता है गर्मी से। तो इन लोगों के डिमांड पे हम लोग लगा रहे हैं इन्वर्टर। खर्चा तो अच्छा खासा करवा दिया हमारे बच्चों ने, लेकिन कोई बात नहीं, सुविधा तो जरूरी है ना। पता है हमारी मकान मालकिन आई थी तो वो पूछ रही थी कि कैसे करते हो इतना काम, मतलब कैसे बनाते हो ज्वेलरी? मैंने कहा रात में बनाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को देख रही थी ना तो वो कन्फ्यूज थी कि कैसे संभलता है दोनों। तो मैं क्योंकि रात के रात बनाती हूँ और ऐसे करके, आई लड्डू थोड़ा सा चुप रहा। और मैंने आंटी को बोला ना कि मुझे ना, मैं काम मेहनत कितनी भी कर लूँ, थोड़ा सुविधा चाहिए होता है जो कि अभी हमारे पास कम पड़ जाता है। ये देखो इन्वर्टर पड़ा हुआ। तुम निकलो यहाँ से, तू निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। बड़े प्यार से बोलते, देखो लाइट कटा हुआ है, बेचारे बिना पंखा के, लेकिन चप्पर चप्पर जरूर करेंगे। और मेरे साथ इन दोनों के भी बड़ी अच्छी सी मेहनत लगी रहती है। पापुल पापुल करेगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा अंदर का वो गत्ता नहीं रहता सेफ्टी से जो डाला हुआ रहता है, सब लेके खेल रहे हैं। लड्डू ने दूध पिया? अरे वापस से चाय चढ़ा हुआ है, चाय छान दो ना थोड़ा। वापस से चाय चढ़ा के आई हूँ, फिर भूल गई। आज सुबह से पता है क्या हो रहा है, बार बार चाय चढ़ा देती हूँ और भूल जाती हूँ। अभी वॉइस ओवर के वक्त याद आया, सुबह एक बार हमने चाय जला दिया, ठीक है मैंने, और फिर वापस से ना क्या हुआ कि अभी फिर से चढ़ा के आई थी कि अब तो चाय पियेंगे, लेकिन फिर चढ़ा के भूल गई। दूध वाले चाय से अच्छा तो ये पानी वाला ही था, पानी लेना है। और ये चाय जो है ना इनका लेबुलो एडवाइजर वाला, उसमें मिक्स कर देना पाउडर और बस पी लेना है। सुबह सुबह पी चुकी थी, लेकिन उसके बाद दो बार चाय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने रात में बनाई थी गट्टे की सब्जी। और बताया वॉइस ओवर के टाइम पे पंखा बंद कर देती हूँ, क्लास लेने के टाइम पे पंखा बंद कर देती हूँ और मेरी सांस फूलने लगते गर्मी के मारे। बट कोई ना, और हर कोई कहता है ना मेहनत का फल सब्र का फल मीठा होता है, और मेहनत करने वाले की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो बस यही सोच के मेहनत करने लगे हुए। और हो बच्चों के साथ करने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है एक्चुअल में। और थोड़ा सा ना ये लोग तो शरारते करते हैं तो थोड़ी परेशान भी हो जाती हूँ, बट फिर गुस्सा करती हूँ, चीखती हूँ, चलाती हूँ, फिर वापस अपने काम में लग जाती हूँ। और देखो मेरा क्या होता है ना, आज मैं अगर मान लो कि बहुत थक गई हूँ, ठीक है, मेरी पीठ में, पता है एक्चुअल में बताऊँ, मेरे हाथ दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, कंधे में इतना दर्द है, क्योंकि जब जब हम लोग सामान लेके आते हैं, तीन दिन पे लाते हैं ना, तीन चार दिन पे सामान, तो वो रहता है 10-10, 15-15 किलो का बैग हो जाता है, वो पीठ पे टांग लेती हूँ, कंधा इतना दर्द करता है। स्टार्टिंग में पता नहीं चला था कि कंधा इतना दर्द क्यों करता है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, जब जब सामान लेके आते हैं उसके अगले एक दो दिन दर्द करता है, और आज वही हालत है मेरा। तो थोड़ा बैंड बजा हुआ है, बट मेन सिटी का मार्केट ऐसा है ना कि वहाँ हम लोग कार से अंदर नहीं जा सकते, पतली पतली गलियाँ होती हैं और सभी जगह, तो इस वजह से ना हम लोग फिर वैसे हमारे वेंडर्स को बोलते हैं कि बाहर आके दे देने के लिए, बट वो लोग ना आते ही नहीं है। और अब ऑब्वियसली वो हमारी वजह से वो क्यों दौड़ेंगे, तो अंदर जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाके लेना होता है, अंदर कार घुसाना पॉसिबल नहीं, एक बार घुस जाएगा ना अगर तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा होता है। और फिर मैं वापस यही वाला चाय पी रही थी, कल तो हमने पूरे दिन यही वाला चाय पिया, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ सुबह से दूध का चाय बनाने का, जो जल जा रहा है।